45 साल से ऊपर वालों के लिए कोरोना वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और इस वीडियो में कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसे आप रजिस्ट्रेशन करके पास के किसी भी अस्पताल में जाके आप कोरोना वैक्सीन आसानी से लगवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर कोविड वैक्सीन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पिन कोड डाल के आपको चेक कर लेना है कि आपके आसपास के अस्पताल में हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लग रही है या नहीं लग रही है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। कोड वेरीफाई होते ही सबसे पहले आप यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देंगे। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, वोटर आईडी तक आप यहां पे दे सकते हैं। इसके बाद यहां पे वोटर आईडी का नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद यहां पे नेम, इसके बाद यहां पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहां पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करके आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स आ जाएगी, जिसे आप शेड्यूल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा अपने फैमिली के मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके आप इसी तरह से आईडी प्रूफ, फ़ोटो आईडी नंबर और नेम, मेल सेलेक्ट करके और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करके ऐड कर सकते हैं। शेड्यूल पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने एरिया का पिन कोड इंटर करना पड़ेगा। पिन कोड इंटर करने के बाद आपको यहां से सिलेक्ट करनी होगी डेट। जैसे यहां पे डेट आ गई है, डेट सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो यहां पे अवेलेबल है। अवेलेबल होने के बाद आप यहां से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस टाइम पे जाना चाहते हैं। तो यहां से सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद आप चाहें तो यहां से अपनी एक स्लिप को प्रिंट करके वहां ले जाएंगे और 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आप इस हॉस्पिटल में आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक इस तरह का मैसेज आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कोरोना वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसके बाद आप जब भी कभी अपने पीएचसी सेंटर पे जाएंगे हॉस्पिटल पे, तो सिर्फ इस मैसेज को आपको दिखाने के बाद आपको कोविड वैक्सीन लगा दिया जाएगा आपके उसी टाइम पे, जिस टाइम को आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया था।